शुक्रवार को भगवान कृष्ण की नगरी गोवर्धन में यूपी में होने जा रही विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिबंध सम्मेलन में पहुंचे भाजपा महासचिव सतीश मिश्रा ने संबोधन के दौरान गठबंधन को लेकर एक बड़ी बात कही। मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने तो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा गठबंधन जनता के साथ किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनता से गठबंधन करेगी, ना कि किसी पार्टी से। सतीश मिश्रा ने कहा कि भगवान सबके होते हैं और हम भी उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। कानपुर के बिकरुकांड में विकास दुबे के भतीजे की पत्नी खुशी दुबे की जमानत के बारे में उन्होंने कहा कि हम तो बारम्बार जेल में बंद हुई खुशी दुबे के हर संभव मदद करेंगे। बहुजन समाज पार्टी विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की नाबालिग विधवा को जमानत दिलाने के लिए कानून की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं संबोधन में मिश्र ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार लूट जैसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। वर्तमान सरकार में आज भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हत्या हो रही है, लूट हो रही है, जहां तक कि डकैती भी हो रही है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। वहीं सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि भाजपा पर प्रहार करते हुए सरकार को नाकाम सरकार बता रही है। वहीं मिश्र ने सरकार पर जमकर बरसे। मिश्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ओर जहां देश की तमाम बड़ी संस्था और कंपनियों को अंडानी अंबानी जैसे व्यापारियों के साथ बेचने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर मंदिर और मठों पर कब्जा करने में लगी हुई है। किसानों की आवाज दबाई जा रही है, काले कानून बनकर आम जनता और किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ब्राह्मणों की आवश्यकता भाजपा जैसी पार्टी को नहीं, तभी भाजपा के नेता कहते हैं कि ब्राह्मण आखिर जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्या ब्राह्मणों के पास भाजपा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में ब्राह्मणों को तय करना होगा कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर वोट के वक्त लुभाते वादे पर लूटने वाली पार्टी का साथ देंगे या दलित और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाली बहुजन समाज पार्टी का। 2022 में ब्राह्मण समाज दलित के सहारे उन्होंने सरकार बनाने का दम किया है। सरकार किसकी बनती है ये तो समय ही बताएगा। विपक्ष में बैठे हुए हैं, 2017 में 80% से ज्यादा ब्राह्मणों को ने बीजेपी को वोट किया, कैसे विश्वास करें 10 साल का गैप से। जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 4.5 साल जो उन्होंने उनको सरकार में ला के बैठाने का काम किया था, जो उनको उसके एवज में देने का काम किया है, तो इस सरकार ने क्या किया है? जैसे उनकी प्रताड़ना, उनको मारना, रोको, गोली मारो, ठोक दो, ब्राह्मण समाज का है तो तुरंत मार दो, तो ये इसके अलावा तो और ब्राह्मण समाज अपमानित होने के अलावा कुछ नहीं मिला। उनकी पार्टी में जो लोग हैं